नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है बेबी एंड चाइल्ड केयर चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ डिलीवरी के बाद 40 दिनों तक महिलाओं को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे उनका हेल्थ अच्छा रहे, बेबी का हेल्थ अच्छा रहे और महिला बहुत जल्दी पहली वाली अवस्था में आने लग जाए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ खाने पीने के बारे में। तो आपको पता ही होगा कि डिलीवरी के बाद नॉर्मली बहुत सारी महिला को कब्ज की समस्या हो जाती है, गैस की समस्या हो जाती है। तो इन सभी से बचने के लिए बहुत अच्छा है कि आप फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा खाओ, हरी सब्जियाँ खाओ, फल वगैरह खाओ। और कब्ज की समस्या रहती है तो आप पपीता खा सकते हैं, घिया खा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप सब्जियों में या फिर जीरा का पानी भी पी सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। और आप चाहें तो आप अजवाइन का पानी पी सकते हैं, आप सौंफ का पानी पी सकते हैं, कुछ लोग बड़ी इलायची का पानी पीते हैं। तो जैसा भी आपको लगे आप वैसा पानी पीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कि पानी आपको इस समय गर्म ही पीना है और पानी आपको एक साथ ज़्यादा नहीं पीना है, थोड़ा थोड़ा करके पीना है और घूट घूट करके पीना है, यानी कि सिप सिप करके पीना है, तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। और आपको ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पीना। इसके अलावा दोस्तों, आप डिलीवरी के बाद दलिया का सेवन जरूर करें, ओट्स का सेवन करें, इससे आपके स्तनों में दूध की मात्रा बढ़ती है। तो दलिया और ओट्स ज़रूर खाइए। इसके अलावा ये पचने में भी आसान होते हैं तो बहुत जल्दी पच भी जाता है, तो आप ये खा सकते हैं। इसके अलावा आप रोटी खा सकते हैं, सब्जी खा सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखिए कि आप जो सब्जी खा रहे हो, दाल ले रहे हो, उसमें ज़्यादा मिर्च ना हो, ज़्यादा मसाला ना हो। आपको ज़्यादा तला भुना मसालेदार चीज़ें नहीं खानी है, इस बात का खास ध्यान रखिए। और 40 दिनों तक तो आप इन चीज़ों को अवॉइड ही करें। इसके अलावा दोस्तों, आपको डिलीवरी के तुरंत बाद चावल नहीं खाना है, खट्टी चीज़ें नहीं लेनी है, आपको ठंडी चीज़ें नहीं लेनी है, दही का सेवन नहीं करना है, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। दोस्तों, इसके अलावा आप डिलीवरी के कुछ दिनों के बाद, मान लीजिए कि नामकरण के बाद जो है, जब बेबी का नामकरण हो जाता है, उसके बाद आप ड्राई फ्रूट्स के लड्डू भी खा सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो आपको ड्राई फ्रूट्स के लड्डू भी खाने हैं, जिसे कि पंजीरी भी बोला जाता है। अब बात करते हैं आपके कपड़े लत्तों के बारे में। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि डिलीवरी के बाद चाहे कोई सा भी मौसम हो, आपको फुल बाजू के कपड़े पहनने हैं। ठंड का मौसम है तो आप 2-3 लेयर कपड़े पहनिए, गर्मी का मौसम है तो आप 1 लेयर ही कपड़े पहनिए, लेकिन आपको फुल बाजू के कपड़े पहनने हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको अपने सर को भी ढक के रखना है, क्योंकि डिलीवरी के बाद जो है सर दर्द की प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि डिलीवरी के बाद जो है आपके सर पे हवा नहीं लगनी चाहिए, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने सर को ढक के रखें। आप किसी सूती दुपट्टे से अपने सर को बांध सकते हैं, यह आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा, तो आप ये ज़रूर करें। इसके अलावा दोस्तों, डिलीवरी के बाद आप डेली नहाइए, और आपको ध्यान रखना है कि आपको ठंडे पानी से नहीं नहाना है, आपको गर्म पानी से नहाना है। मतलब ये कि जितना आपका शरीर बर्दाश्त कर ले आपको उतना गर्म पानी से नहाना है, क्योंकि इससे आपको फ्रेश महसूस होगा। और इसके अलावा नहीं नहाएंगे तो आपको पता ही है कि कई बार बहुत अजीब सा महसूस होता है, और साफ सफाई रखना बहुत अच्छी बात होती है, इन्फेक्शन भी नहीं होगा आपको, तो आप डेली स्नान ज़रूर करें। तो इसके अलावा यदि सर्दी का मौसम है तो आप नहाने के बाद अच्छे से अपने आप को ढक लीजिए, उसके बाद आप थोड़ी देर धूप ले सकते हैं, क्योंकि धूप लेने से एक तो आपको गर्मी मिलेगी, विटामिन डी मिलेगा और आपको थोड़ा अच्छा भी लगेगा। और दोस्तों, गर्मी का मौसम है या फिर सर्दी का मौसम भी है, तो आपको क्या करना है कि नहाने के तुरंत बाद आप कोई कपड़ा ओढ़ के लेट जाइए, मतलब कि अपने पूरे बॉडी को ढक के लेट जाइए जब तक कि आपको पसीना ना आ जाए। क्योंकि दोस्तों, हमारे ऐसा माना जाता है कि डिलीवरी के बाद आप जब भी नहाते हैं तो आपको नहाने के बाद अपने आप को ढक लेना चाहिए जब तक कि पसीना ना आ जाए। पसीना आता है तो इससे आपका बॉडी रिकवर होता है, आप स्वस्थ होते हो, ऐसा हमारे यहाँ माना जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके यहाँ भी ऐसा हो, अगर आपके यहाँ भी ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप मेरी बात मान के ऐसा कर सकती हैं, तो यह भी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आपकी डिलीवरी गर्मी में हुई है तो बहुत सारी महिलाएँ क्या करती हैं कि पंखा बहुत तेज़ चला के उसके नीचे सो जाती हैं, लेट जाती हैं, तो आपको ऐसी गलती भी नहीं करनी है, क्योंकि यदि आप बहुत तेज़ पंखे के नीचे सोती हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है, ठंड लग सकती है, कपकपी आ सकती है, बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। बहुत सारी महिलाओं का तो ये भी मानना होता है कि इससे आपके शरीर में दर्द की शिकायत होने लग जाती है, जो कि आपको ज़िंदगी भर परेशान कर सकती है। इसलिए आपको बहुत तेज़ पंखा करके नहीं लेटना है, नहीं सोना है,
ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखिए। इसके अलावा आपको डिलीवरी के बाद मालिश भी जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि मालिश करवाने से आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। एक तो इससे आपका बॉडी रिलैक्स होता है, आप में पावर आती है, आप शक्तिशाली महसूस करते हैं। इसके अलावा आप मालिश करवाने से बहुत जल्दी रिकवर भी होते हो, आपके बॉडी में ब्लड फ्लो बहुत अच्छे से होने लग जाता है। इसके अलावा मालिश करवाने से आपके पेट का मोटापा भी कम होता है, तो मालिश करवाने के बहुत सारे फायदे हैं। तो आप डिलीवरी के बाद मालिश भी ज़रूर करवाइए। दोस्तों, डिलीवरी के बाद आपके शरीर से बहुत सारे पोषक तत्व गायब हो जाते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप खाने पीने पे ध्यान दें। साथ ही साथ अगर आपके डॉक्टर ने आपको आयरन, कैल्शियम या फिर मल्टीविटामिन दिया है, तो आप उनका सेवन भी ज़रूर करें, जब तक आपके डॉक्टर बंद ना करवा दें। बहुत सारी महिलाएं डिलीवरी के बाद डॉक्टर के पास जाना भूल जाती हैं, तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। दोस्तों, इसके अलावा डिलीवरी के तुरंत बाद आपको मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना है, आपको टीवी का इस्तेमाल भी ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि इससे आपकी आंखों पे जोर पड़ता है, जिससे कि आपकी आंखें ख़राब हो सकती हैं। तो डिलीवरी के बाद आप ध्यान रखिए कि कुछ दिनों तक, कम से कम 40 दिनों तक आप मोबाइल और टीवी का इस्तेमाल ना करें या फिर बहुत कम करें। दोस्तों, इसके अलावा डिलीवरी के आप 8-10 दिनों के बाद, 15 दिनों के बाद से जो है अपने बीबी का काम करने लग जाएं। मतलब ये कि हमेशा लेटे नहीं रहना है, हमेशा आपको बैठे नहीं रहना है, आपको हल्का फुल्का काम भी करने लग जाना है, अपने बॉडी को मूव करना स्टार्ट कर देना है, ताकि आप स्वस्थ महसूस करें, साथ ही साथ आपका बॉडी भी बहुत जल्दी रिकवर हो। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक्टिव रहें। तो आप डिलीवरी के एक हफ्ते बाद, 10 दिन के बाद, जैसा भी आपको लगे, आप कुछ ना कुछ काम करना स्टार्ट कर दें। दोस्तों, इसके अलावा बहुत सारी महिलाएं बहुत बातूनी होती हैं, और डिलीवरी के बाद ऐसा होता है कि हमारे घर से कोई ना कोई आ जाता है, और कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ ज़्यादा लोग ही आ जाते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि डिलीवरी के बाद आपको ज़्यादा बातें नहीं करनी हैं, जितना कम हो सके उतने कम बातें कीजिए, और इसके अलावा कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आराम करें। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि कम से कम 8-10 दिन के बाद से जो है आप हमेशा लेट ही ना रहें, हमेशा बैठ ही ना रहें, कुछ ना कुछ काम भी करने लग जाएं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा बातचीत ना करें, जितना ज़रूरत हो उतना बात ही करें, आपको फालतू में किसी से भी ज़्यादा बातें नहीं करनी है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ज़्यादा बातें करने से जो है आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, आपको सर में दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखिए, और इसके अलावा कोशिश करें कि जिस रूम में आप हो, आपका बेबी हो, उस रूम में ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, ज़्यादा बातचीत ना हो, ज़्यादा शोरगुल ना हो, क्योंकि आपके लिए और आपके बेबी दोनों के लिए ही ठीक नहीं होगा। और दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जिसका कि ध्यान आपको डिलीवरी के बाद ज़रूर रखना है, वो है टेंशन ना लेना। क्योंकि दोस्तों, डिलीवरी के बाद ज़्यादातर महिलाओं को टेंशन की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि एक तो आप शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं, इसके अलावा बेबी की जिम्मेदारी आप पे आ जाती है, तो इस वजह से भी आप बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग जाते हो। और इस समय घर में बहुत सारे लोग भी आते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं जो कि खामखा टेंशन भी देते हैं, फालतू की बातें करते हैं, जिससे कि आपका दिमाग ख़राब होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप ठीक से सो नहीं पाते हो, क्योंकि बेबी को आपको 2-2 घंटे के अंदर दूध पिलाना होता है, बेबी कभी पोटी कर देता है, कभी सुसु कर देता है, कभी रोने लग जाता है, तो इस वजह से आपकी नींद काफ़ी ख़राब हो जाती है। तो बहुत सारी महिलाएं इस वजह से टेंशन में आ जाती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि डिलीवरी के बाद आप अपने आप को कैसे भी करके खुश रखने की कोशिश करें, टेंशन से दूर रहें, थोड़ा सब्र करें, थोड़ा धैर्य रखें, क्योंकि आपका बेबी छोटा है तो थोड़ी परेशानी होगी ही, जैसे जैसे आपका बेबी बड़ा होने लग जाएगा आपकी परेशानी भी कम होने लग जाएगी, और 3 महीने के बाद आपके बेबी का रूटीन भी चेंज होने लग जाएगा, उसका एक टाइमिंग बन जाएगा सोने का, जगने का, तो आपको धीरे धीरे करके राहत मिलने लग जाएगी। और यदि आपको किसी व्यक्ति की वजह से परेशानी हो रही है, तो उससे बात करें कि आपको टेंशन ना दें, अगर वो तब भी नहीं मानता है या मानती है, तो उससे दूर रहने की कोशिश करें, क्योंकि इस समय आपको अपनी बीबी का ध्यान रखना है, अपना ध्यान रखना है, तो टेंशन आपके लिए बिल्कुल भी नहीं बना है। तो इस समय आपको टेंशन नहीं लेना है, खुश रहने की कोशिश करनी है। तो आप इन बातों का ध्यान रखिएगा, तो इससे आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे, पहली वाली अवस्था में आ जाएंगे, और आपका बॉडी भी बहुत जल्दी रिकवर होने लगेगा। सो फ्रेंड्स, आई थिंक कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आए तो लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।